हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम तैयार करेंगे मूंग की दाल की नमकीन से बनी हुई एकदम खस्ता और टेस्टी कचौड़ी। तो चलिए देखते हैं। इसे तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मूंग की दाल की नमकीन ले ली है, जो आप नमकीन खाते हैं बनी बनाई मार्केट से। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी ली है। इसमें पानी डालकर इसे सोक करने के लिए रख देते हैं लगभग आधा घंटा के लिए। और अब साथ में ले लीजिए 2 टेबल स्पून के करीब मूंग की धुली हुई दाल और 2 टेबल स्पून यानी 1 कलछी ली है मैंने उड़द की दाल। इन दोनों दालों को मिक्स कर दीजिए एक बाउल में और पानी में डालकर 2 से 3 बार धो लीजिए। और धोने के बाद इसे पानी डालकर सोक करने के लिए रख दीजिए 1/2 आवर। दोनों दालें हमारी सोक हो रही हैं। जब तक हमारी ये दालें भीग रही हैं तब तक हम एक कटोरी में ले लेते हैं 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच फुल भरकर लेंगे डेगी मिर्च, 1 चम्मच आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब डाल दीजिए थोड़ा सा काला नमक यानी 1/2 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ले लीजिए इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, तो यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर और डाल देते हैं। अब ये सारे मसाले हमने अच्छे एक कटोरी में अच्छे से इकट्ठे कर लिए हैं। हमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टफिंग तैयार करने में। इन मसालों को मिक्स कर लिया है। अब एक पैन में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी गर्म होने पर डाल देंगे जीरा। तो अब मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। तो जीरे को अच्छी तरह से चटका लेते हैं। जब जीरा चटकने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने मिक्सिंग किए हुए मसाले। तो मसालों को डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा गैस को एकदम स्लो रखिएगा। यदि आपने तेज गैस पर मसाले डाले तो जो मसाले का एक अच्छा सा कलर आना चाहिए वो नहीं आएगा। हमें स्टफिंग के लिए बड़ा प्यारा सा एकदम लाल रंग का कलर चाहिए। तो देखिए अब तुरंत से हम इसमें डाल देंगे अपनी भीगी हुई दाल जो हमने सोक करके रखी थी, मूंग और उड़द की दाल। पानी सहित डालना है। और अब डाल देंगे हम इसमें मूंग की दाल की नमकीन जिसे हमने पानी में भिगाया था, इसे भी पानी सहित डाल देंगे। और अब लिया है मैंने 1/4 कटोरी यानी 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच घी डालकर इसे भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे रोस्ट कर लिया है बिल्कुल हल्का सा। और अब इसे मिक्स कर देंगे। रोस्ट करने के बाद ही डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये जो हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर रहे हैं आप एक बार इसे बना करके रख लीजिए। कई दिनों बाद भी आप इसे यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। लगभग 1 हफ्ते के करीब चल जाएगी। अब देखिए आपको ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही होगी क्योंकि हमें इसे काफी देर तक भूनना है। तो इसमें डाल दिया है मैंने 1/2 कप पानी। तो इसे हम 2 मिनट के लगभग इसे चलाएंगे स्लो गैस पर। इससे क्या है जो हमारी दालें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और हमारी स्टफिंग भी काफी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ। बस इसके बाद बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। और अब गाढ़ी होने तक इसे हमें बस पकाना है। तो उससे पहले मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक इसमें थोड़ा सा तेज डाला जाएगा, जो आप नॉर्मली नमक खाते हैं उससे थोड़ा सा तेज। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। यदि आप इसमें नमक अच्छा डालेंगे तो जब आप कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे तो वो फीकी फीकी नहीं लगेंगी। अब देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद हम इसके गोले बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है, बिल्कुल ठंडी नहीं है, थोड़ी सी गुनगुनी है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गोल चम्मच का इस्तेमाल किया है जिससे बिल्कुल एक से गोले बनकर आएंगे। तो ये जो स्कूप टाइप चम्मच होती है बस वो ले लीजिए और बिल्कुल ऐसे करके प्लेन ऊपर से और इसमें निकाल लीजिए हाथ से। तो इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूंगी और ठंडी होने के बाद इसके गोले बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और ये मैंने गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम डो बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक परात ले ली है बड़ी सी और उसमें डाल दी है मैदा। यहाँ मैं लगभग 3 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। छोटी छोटी कटोरी है मेरी, आप नाप देख लीजिए कितना साइज है मेरी कटोरी का। इतने डो में लगभग हमारे 14 से 15 कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। अब इसमें नमक डाल दीजिए लगभग 1/2 चम्मच।
और अब इसमें डाल देंगे हम मोयन। तो मोयन के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अब इस मोयन को हम मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से रगड़ रगड़ कर। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह से करने से जो आपकी कचौड़ी होती है एकदम बढ़िया और खस्ता बनकर तैयार होंगी। यदि बीच बीच में घी के थोड़े भी टुकड़े रह गए तो वहीं से आपकी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। इसलिए आपको एकदम से इसे मिक्स करना ज़रूरी है। अभी देखिए मोयन आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ क्योंकि हमें जो मोयन चाहिए बिल्कुल इतना चाहिए कि जो मुट्ठी है वो अच्छी तरीके से बंद हो जाए। तो वापस इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और मुट्ठी बांधकर देखते हैं कि हमारा जो मोयन है अच्छा डला है कि नहीं। ये देखिए अब मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब मोयन काफी अच्छी तरीके से पड़ गया है। हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है। तो बस अब हम पानी ले लेते हैं थोड़ा सा गर्म। तो जो हम डो तैयार करेंगे गर्म पानी से डो तैयार करेंगे। गर्म पानी से डो तैयार करने से काफी अच्छा और स्मूथ डो बनकर तैयार होता है। और इसका जो डो तैयार करेंगे बिल्कुल ऐसा कीजिएगा थोड़ा सा सॉफ्ट। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का डो आपको तैयार करना है एकदम सॉफ्ट। अब हमें क्या करना है एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरीके से इसे मैश कर और रिगड़ रिगड़ कर काफ़ी अच्छा डो बना लेना है। इस प्रोसेस में लगभग आपको 10 मिनट लगेंगे। और देखिए जब भी आप फोल्ड करेंगे तो आपको इसमें आटे की धारियां दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब जो डो है काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसको एक गोला बनाकर तैयार कर लेते हैं और वापस से वही परात ले लेते हैं जिसमें हमने डो बनाकर तैयार किया था। और इसमें रखने के बाद इसे कपड़े से ढक देंगे। आप चाहो तो इसे कपड़े से प्लेट से या किसी भी बर्तन से ढक करके रख दीजिए और रखते हैं इसे लगभग आधे घंटे के लिए। तो इसे आधे घंटे रख देते हैं और मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो गया है अब डो को चेक कर लेते हैं। तो ये डो थोड़ा सा टाइट हो गया है। पानी लगाकर मैंने इसको सॉफ्ट बना लिया था। तो इस तरीके का डो आपको तैयार करना है। इस तरीका करने से जो हमारी कचौड़ी है काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होंगी। लेकिन काफ़ी पतला मत कीजिएगा नहीं तो जब आप कचौड़ी भरकर तैयार करेंगे तो वो फट जाएंगी। और आप कहोगे शालिनी क्या कचौड़ी बताई है, हमारी तो सारी कचौड़ियाँ फट रही हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लोई ले ली है। तो लोई कितनी बड़ी ली है आप देख लीजिए। और अब इसको हाथों से अच्छी तरीके से फैलाएंगे इस तरीके से। और जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसका एक गोला ले लेते हैं और इसे बीच में रखकर बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बंद करेंगे। अब मैं जिस तरीके से बंद कर रही हूँ आप मेरा बंद करने का तरीका देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से बंद कीजिएगा। ये देखिए बीच में से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है और मेरी लोई में बिल्कुल भी हवा नहीं भरेगी और बिल्कुल ऐसे ही मैंने बंद कर दिया। देखिए आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा कि मैंने लोई बंद की है। इस तरीके से करने से जो कचौड़ी की लेयर होती है ऊपर की काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। अब या तो आप हाथों से फ्लैट कर दीजिए या प्लेटफॉर्म पे जैसे मैं फ्लैट कर रही हूँ इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से। अब कचौड़ियाँ तलते हैं तो इसके लिए बिल्कुल कम गर्म तेल या घी लीजिएगा। यदि तेज में डाल देंगे एकदम से तो जो कचौड़ी है ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से एकदम खिंची खिंची बनेंगी। हमें चाहिए एकदम खस्ता एकदम बढ़िया कचौड़ी। तो देखिए बिल्कुल इसे सेकने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। आपको एकदम पेशेंस रखना है और जब भी आप दूसरा बैच तैयार करें यानी जब आप एक बार कचौड़ी सेक लें और जब दोबारा कचौड़ी सेकें तो गैस को बंद कर दीजिए और घी या तेल को ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद आप दोबारा से कचौड़ी डालिएगा। अब देखिए 15 मिनट हो गए, हमारी कचौड़ियाँ एकदम खस्ता परफेक्ट जो होती हैं बनकर तैयार हो गई हैं। एकदम बढ़िया कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और इन कचौड़ियों को आप 2 से 3 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी कचौड़ी एकदम बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। इन्हें आप इंजॉय कीजिए खट्टी हरे धनिये की चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ। आलू की सब्जी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।